नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सार न्यूज़, मैं रिज़वी। देश के कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से हो रहे हिंसक वारदातों को देखते हुए मंगलवार को नालंदा जिला के एसपी अशोक पिसा के नेतृत्व में बिहार शरीफ में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च शहर के शर्म कल्याण केंद्र से निकलकर शहर के कई मोहल्लों से गुजरी। इस मौके पर एसपी अशोक मिश्रा ने कहा कि शहर में अमन चैन बरकरार रहे और बदमाशों में खौफ का माहौल हो, इसी के उद्देश्य से समय समय पर पुलिसिया ताकत को दिखाने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया है। आम लोगों से अपील करते हुए एसपी ने सोशल मीडिया व अन्य प्लेटफॉर्म से किसी तरह का अफवाह नारेबाजी नहीं करने की अपील की है। बिहार शरीफ में पूर्व से ही गंगा जमुनी तहजीब की परंपरा चली आ रही है। इस परंपरा को हम लोग मिलजुल कर कायम रखेंगे। यदि कोई इस गंगा यमुना तहजीब को बिगाड़ने का प्रयास करेगा तो उसे किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। इस मौके पर यातायात डीएसपी अरुण कुमार सिंह, डीसीएलआर प्रभात कुमार, सीओ धर्मेंद्र पंडित, नगर थाना अध्यक्ष संतोष कुमार, दीप नगर थाना अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद, लहरी थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार, सोहतरा थाना अध्यक्ष मुन्ना कुमार के अलावा भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।